जय जय श्री राधे श्याम श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलदलतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गाद नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराह रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण लंता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनै कृपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपादौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कृत मंद मते दयांद्रा तुलसी कांग यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगल श्रीमद बिदग्ध माधव नाटक श्री रूप गोस्वामी जी के सारी कृतियों में सर्वश्रेष्ठ परम सुंदर श्री बिदग्ध माधव नाटक आज श्री रूप गोस्वामी जी की श्री चरणारविंद में विशेष रूप से वर्णन आज उनके अंतर्धान थे और उनकी लीला का दिव्य स्मरण अनेक अनेक उनके चरित्र विराजमान है सब लोगों को वो विद्या ज्ञात है विशेष रूप से उसका अलग से वर्णन करने की जैसी श्री विदग्ध माधव नाटक में पूर्व प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी जी निरूपण कराए कि श्री श्याम सुंदर ने परम सुंदर मल्ली माला श्री प्रिया के मान को मनाने के लिए प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर धारण कराई और ये कहा कि ये मल्ली माला जैसे शिव के ऊपर गंगा जी की धारा शोभा को प्राप्त हो रही है ऐसे ही आपके वक्षस्थल रूपी दिव्य शिव के ऊपर ये जो माला है ये शोभा को प्राप्त हो तब कुछ शिव मूर्धनी स्वर्धनी विभ्रमे ऐसा कहकर के श्री विशाखा जी का आमृत ग्रहण कर
श्री श्याम सुंदर ने वो माला श्री किशोरी जी को धारण कराई है। वो कह रहे हैं श्री विशाखा जी उस समय श्री श्याम सुंदर से कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर नहीं श्री राधिका से कह रही हैं, बोले अरे सखे इस समय श्याम सुंदर के प्रति मान धारण करने की अब आवश्यकता नहीं है। जिन श्री श्याम सुंदर का दर्शन करके यदि पलक भी आ जाए तो पलक निपात को भी तू मन्वंतर के समान समझती थी, आज वे श्री श्याम सुंदर विराजमान है उनके प्रति कथम काम्यान बाम्यान नबी, तेरी बामता कैसे काम्य हो सकती है, अर्थात बामता कैसे धारण कर सकती है। व्याकरण का एक सामान्य नियम है कि यदि इंट्रोगेटिव और आ जाए तो इंट्रोगेटिव के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा असर्टिव में, तो तेरी बामता कैसे काम में हो सकती है, अर्थात बाम्यता उचित नहीं है, यह अर्थ हो जाएगा। श्री राधिका उस समय किशोरी विशाखा से कह रही हैं, बोले अरे निर्बुद्धि रहने दे, ये प्रेम की बोली है, सखी सखी से जैसे झगड़ा करती हुई कह रही है ऐसे कह रही है, बोले अरे सखी अरे निर्बुद्धि रहने दे रहने दे। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रिय मेरे मस्तक का ये मयूर मुकुट आपके चरण की धूली से धूसरित हो रहा है, मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं, कृपा करके अपने चरण कमल मुझे प्रणाम करें, आपके चरण 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 कमल मम शिरो भूषण देह पद पल्लव मुदारम, ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे मस्तक के भूषण होकर के विराजमान है इन चरण कमलों को आप मुझे प्रदान करें, क्योंकि मान को मनाने के लिए पांच उपाय श्री उज्जवल दिनमणि में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किए हैं। साम माने समझाना, दान माने प्रिया को कोई भेंट करना, भेद माने सखियों से जो बामता का आरोप करने वाली है उन सखियों से प्रिया को अलग करना। जानते हैं जब तक ये चंडी ललिता पास में है तब तक ये मान उकसाती रहेंगे, इसी तरह से किसी तरह से ललिता जी को अपने पास कर रही है, विशाखा जी को अपने पक्ष में कर देंगे तब जाकर के किशोर जी का मान मनेगा, तो इसका नाम है भेद। तो साम दाम भेद, चौथा है नति, नति माने प्रणाम, प्रिया के श्री चरणारविंद में प्रणाम करना वो ही मान का सर्वोत्तम उपाय है। अब जब ये चारों उपाय काम में नहीं आते हैं तो अंत में एक उपाय पांचवा उपाय है वो है मान के प्रतिमान, मान के विरोध में मान धारण करना, अर्थात श्री श्याम सुंदर भी प्रश्माय प्रसादाय तत्रैव अन्तर्धीयतः, तो कभी कभी अंतर्धान स्वयं भी मान धारण करके निराश होकर के जैसे लौट जाती हैं वो प्रतिमान, तो प्रतिमान धारण करना, तो यहाँ प्रतिमान की बात तो है ही नहीं, यहाँ पर प्रणाम जो है वो ही मान का अंतिम समाधान है। शास्त्रों ने वर्णन किया कि वेद घनांत होते हैं, व्याकरण महाभाष्यांत है और मान प्रणामांत होता है, प्रणाम करने पर मान की समाप्ति हो जाती है। तो श्री श्याम सुंदर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि धूल धूसरित चंद्रकांत चलो, मेरे मस्तक का जो चंद्रका है मयूर मुकुट वो धूल से धूसरित हो रहा है, चंद्रकांत मुखी हे चंद्रमा के समान मुखवाली बल्लभो जनः, ये तुम्हारा प्यारा प्रियजन तुम्हारे श्री चरणारविंद में प्रणाम कर रहा है, अर्पयन मुहु अयम नमस्क्रिया, मैं नमस्क्रिया को ही आपको समर्पित करता हूँ, और भिक्षते तब कटाक्ष माधुरी, आपकी कटाक्ष माधुरी को मैं चाहता हूँ। ऐसा कहकर के श्री प्रिया जी
उनके श्री चरणारविंद वंदना कर रहे हैं, मम स्वरूप भूषण देह पत्फलो मदार, जैसे श्री गीत गोविंद वर्णन कर रहे हैं ऐसे यहाँ पर प्रणाम। जैसे ही प्रिया के मांग को मनाने का उपाय किया, श्री प्रिया का मांग मन गया है। इतने में ही श्री ललिता जी कह रही हैं, बोले अरे सखी राधे क्या देख रही है, नेक अपना मुख फेर करके तो देख, पीछे देख तो सही, झटत कंधनाम परावर्त है, गर्दन घुमा करके देख, पृष्ठता आकार आर्या, श्री मुखरा पीछे से बुला रही है, पुकार रही है, और जो मुड़ करके देखें सचमुच श्री मुखरा जी को पीछे देखा, मुखराई नाम से श्री मुखरा जी उस समय वहीं आ गई है और श्री मुखरा जी का दर्शन कर रही है। मुखरा ये श्री राधा रानी की यशोदा की तो धाय है और श्री राधा रानी की नानी होकर के विराजमान है, तो उनका दर्शन कर ऊपर से श्री मुखरा जी का जो स्वरूप है ऊपर से बाधा डालने वाला और भीतर से यौवन को मिला करके बड़ी उल्लसित है, प्रसन्न होती है, और तत्वतः ये विरोध करने वाली नहीं है बल्कि मुखरा जी का जितना भी प्रयास है उनका बाधा भी श्री युवा सरकार के मिलन में दौत्य करने में ही सहायक होती है, उसी दौत्य को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री मुखरा जी परकिया प्रेम के द्वारा अपूर्व से श्याम सुंदर के प्रीति की सर्वोत्कृष्टता को स्थापित करने वाली होकर के विराजमान है, और परकीय प्रेम जहाँ है वहां पर ही रस का परम परम उत्कर्ष है, स्वकीय में रस का उत्कर्ष नहीं है। श्री गोपाल जब को आज में उस दिन के प्रसंग में निरूपण कराए थे कि यदि श्री श्याम सुंदर मन में विचार करे कि श्री सुखदेव जी ने गोपियों के परकीय प्रेम उसका समाधान करने का प्रयत्न किया था कहीं अंतर्यामिता के आधार पर, कि गोपी नाम तत्पति नाम सर्वेशामे देह नाम योतरध्यक्ष क्रीडने में देहभा अनुग्रह भूता नाम मांस देह मास्त भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुवा तत्परो भवे। अब यदि श्री गोपिकागण उनका अभीष्ट सुखदेव जी का यदि स्वकीय ही होता तो श्री सुखदेव जी सीधा सीधा उत्तर देते, इतना घुमा करके चक्कर देकर के काय उत्तर देते, सिया सिया कहते नहीं गोपी पर किया है नहीं खत्म मामला, पर सुखदेव जी ने सीधा उत्तर न देकर के घुमा फिरा करके उत्तर दिया कि अंतर्यामी होकर के श्री कृष्ण गोपियों के पतियों के सबके हृदय में विराजमान है, जो अंतर्यामी है वो क्रीड़ा करने के लिए बाहर आ जाए तो इसमें क्या गोपियों में के साथ में श्याम सुंदर के व्यवहार को परदारा में मर्षण का दोष लग जाएगा, अर्थात परकिया के साथ में दोष लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सुखदेव जी भी तात्पर्य में ही स्थापित करना चाहते हैं कि परकिया प्रेम ही सर्वोत्तम है और परम उपास्य होकर के परकिया प्रेम ही विराजमान है। दाम्पत्य प्रेम के द्वारा यदि विवाह के द्वारा उस दोष की निवृत्ति की जाए तो वो दोष की निवृत्ति जतक हो जाएगी पर तो रस समाप्त हो जाएगा और जहां रस समाप्त हो जाएगा वहां पर तो मूलोच्छेद हो जाएगा, इसलिए श्री सुखदेव जी का तात्पर्य परकिया की निवृत्ति करना है ही नहीं, परकिया को बनाए रखना यही श्री सुखदेव जी का तात्पर्य है। और उन्होंने राजा परीक्षित के उस प्रश्न का कि संस्थापना धर्मस्य प्रश्नाये तस्य अवतीर्णो भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता प्रतीक माचर, ये सीधा सीधा जो आरोप था कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण ने धर्म विरुद्ध आचरण किया, प्रतीक आचरण किया, ऐसा आचरण क्यों किया, ये उनको शोभा नहीं देता है, ये सीधा सीधा जो प्रश्न था इसका सीधा सीधा उत्तर तो ये होता नहीं गोपी पर किया नहीं, पर सुखदेव जी ने वो उत्तर नहीं दिया, परकिया को स्थापित करने के लिए सुखदेव जी घुमा करके उत्तर दे रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वो ही स्थापित कर रहे हैं कि सुखदेव जी का घुमा करके जो उत्तर देना है वह यह स्थापित करता है
कि विवाह के द्वारा यदि बाधा की निवृत्ति करना और धर्म की रक्षा करना यदि विवाह के द्वारा है तो यह कभी भी अभीष्ट नहीं है, रसप्रद नहीं। और वह विवाह यदि राधा कृष्ण का स्थापित कर दिया जाए तो वो भी समंजसा रति हो जाएगी, वह समर्था रति नहीं रहेगी। और उत्कर्ष सर्वदा सर्वदा समर्था रति में है, समंजसा रति में नहीं है। अतः श्री शुक्ल जी ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, नहीं गोपी परकिया नहीं है, गोपी स्वकिया है, एक वाक्य में पूरा बात समाप्त हो जाती। परंतु ऐसा नहीं कहा और उन्होंने घुमा करके कहा, भीतर जो बैठा है वो ही बाहर निकल करके यदि क्रीड़ा करने लग जाए तो उसको कोई दोष थोड़ी लगेगा। मानो ये कहना चाह रहे हैं कि उपपति भाव जो कि जो शास्त्र में निंदा प्राप्त होती है वो लौकिक उत्पत्ति में कृष्ण संबंध को लेकर के उत्पत्ति में शास्त्र निंदा नहीं कि लघुत्तम अत्र यत् प्रोक्तम तत्तु प्राकृत नायक। श्री उज्जैनमणि में श्री रूप गोस्वामी पादुकोण कर रहे हैं कि उपपति में जो लघुत्व की स्थापना की गई वो प्राकृत नायक में है, रस निर्यास आस्वादनी श्री कृष्ण में नहीं। रस निश्चय निर्यास का आस्वादन करने के लिए जो कृष्ण उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उनमें परकिया दोष नहीं है, उनमें उत्पत्ति भाव दोष नहीं है। ये स्थापित करना चाहते हैं, उत्पत्ति भाव से ही गोपियों का परम परम उत्कर्ष प्रकट होता है। और इसमें दो प्रमाण, स्वयं श्री कृष्ण गोपियों की महिमा के गायन में या दुस्तेजम स्वयं मारे पथम चेतवा भेजो मुकुंद पदवी शुद्ध भेद विद्या। ये कृष्ण के वचन है कि गोपियों का उत्कर्ष इसलिए है कि दुस्तेज आर्य पथ का उन्होंने त्याग किया, अतः न पा रहे हम गोपियों में तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। और श्री उद्धव जी भी उस परकिया प्रेम को ही लेकर के श्री गोपकारों की वंदना कर रहे हैं कि बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरणम अभिक्षेशः आसामहो चरणे जुषाम हंस्याम वृंदावने केवल गुल मिलत औषधि नाम या दुस्तेजम सुजन मारे पतन चेत्वा भेजो मुकुंद पदवी शुद्ध विद्या। तो उद्धव जैसा अपने युग का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, उद्धव जैसा कोई विद्वान नहीं था कृष्ण के अवतार काल में, सर्वोत्तम जो विद्वान जिसके लिए सुखदेव जी टाइटल देना प्रारंभ किया तो टाइटल पर टाइटल देते चले गए कि विष्णु नाम प्रवर मंत्री कृष्ण से दैता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम पूरा का पूरा श्लोक श्लोक टाइटल पर टाइटल दिए जा रहे। तो ऐसा जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान, वो विद्वान गोपियों की वंदना इसलिए कर रहा है कि या दुस्ते जम सृजन मारे प्रथम चेत को, जब आपने गोप वेद की मर्यादा का त्याग किया तो ये गोपियों की जो गोपियों का अपूर्व प्रेम है समर्था रति, उस समर्था रति की महिमा को स्थापित करने के लिए वो किया गया। अब श्री जीव गोस्वामी जी का जो आसपास का परिवेश था वो परिवेश ऐसा था कि उसमें जहां देखो वहां पर वो नित्य दंपति सहज दंपति सहज दंपति उनकी आराधना। तो दूसरों का जो मन जो स्वकीयवादी हैं उस समय श्री हरदास जी भी रहे होंगे, श्री हरवंश जी भी रहे होंगे, नुमाक संप्रदाय के भी रहे होंगे और भी बहुत सारे रहे होंगे जो कि स्वकीयवादी थे और जो मंत्रोपासना वही उपासना करने वाले थे, उन दूसरों के मन को रखने के लिए जीव गोस्वामी जी ने स्वेच्छया लिखितम किंचित किंचित अत्र परिच्छया। उन दूसरों के दूसरे जो उस समय के तत्कालीन आचार्य थे उन आचार्यों के मन को रखने के लिए और जो मंत्रोपासना वही उपासना ही करना चाहते हैं, बिल्कुल ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। उपासना दो प्रकार की, एक स्वादिष्ट की उपासना है, दूसरी मंत्रोपासना में उपासना है। मंत्रोपासना में उपासना में ठाकुर जी का एक रूप एक परिकर एक स्थान एक भाव निरंतर बना रहे। अब श्री महावाणी जी की उपासना पद्धति को देखें तो वहां पर प्रियालाल निकुंज मंदिर के बाहर कभी निकलेंगे ही,
जागेंगे भी नुकुंज में ही और नुकुंज में ही सोएंगे, नुकुंज में ही उनका राजभवन, नुकुंज में उनका श्रृंगार, नुकुंज में ही उनका उत्थापन, नुकुंज में ही उनका वृंदावन विहार। तो नुकुंज के बाहर नहीं निकलेंगे। तो नुमश्री नुमार्ग संप्रदाय का जो सेवा सुख है, उस सेवा सुख में मंत्रोपासना में उपासना पद्धति उसकी प्रधानता है, जहां एक भाव एक प्रकार एक स्थान वो ही विराजमान। श्री व्यादन देव जी उनकी उपासना पद्धति देखें तो भोजन शयन विहार करत ललता की गोदी, जहां पर श्री ललता जी की गोदी में ही भोजन शयन विहार करते हुए विराजमान और निकुंज में विराजमान। जो अद्भुत ये जोड़ी मायरी सहज जोड़ी प्रकट भाई, जो रंग की गौर श्याम घनदामिनी जैसे जो विराजमान है और जन्म कर्म जाके नहीं सहज विहार आहार, जैसे मछली बिना जल के एक क्षण भी नहीं रह सकती है, ऐसे ये श्री प्रियालाल ये बिना विलास के एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। अति मंत्रोपासना में सेवा है, परंतु जहां स्वार्थ की सेवा है उस स्वार्थ की सेवा में गोष्ठ निकुंज दोनों मिले हुए विराजमान। तो स्वेच्छया निहितम किंचित किंचित तत्र परिच्छया, जीव गोस्वामी जी को आनंद चंद्रिका के बाद में ये लिखना पड़ा कि मैंने कुछ स्वेच्छा से लिखा है कुछ परिच्छा से। और श्री बड़े कृपालु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उन्होंने कृपा करके इस पंक्ति की व्याख्या कर दी कि जहां श्री जीव गोस्वामी जी स्वकीय की स्थापना कर रहे हैं और विवाह के द्वारा श्री युगल की प्रीति की स्थापना कर रहे हैं श्री गोपाल चप्पू में भी, वो परिच्छया है। स्वेच्छा उनका जो मत है वो मत किसका कौन सा है, बोले श्री रूप गोस्वामी जी ने जो मत प्रकट किया वो ही स्वेच्छा मत है। और श्री रूप गोस्वामी जी जहां समर्थारति की महिमा का गायन कर रहे हैं, जहां महाभाव के लक्षणों का अनुमोल कर रहे हैं, महाभाव सर्वोत्तम, और उस सर्वोत्तम महाभाव में यही कह रहे हैं कि अनुराग स्वसंवेद दशां प्राप्त प्रकाशता यावदाश्रय वृत्तिस्या महाभाव से जीवता। स्वसंवेद दशा का तात्पर्य है कि परकीय भाव में जो दशा है ये स्वसंवेद दशा का मूल तत्व होगा कि जहां प्रेम ही आस्वादक, प्रेम ही आस्वादनीय और प्रेम ही साधन, कर्ता कर्म और करण तीनों वस्तुएं प्रेम ही होकर के विराजमान। राधा हृदयगत प्रेम, कृष्ण हृदयगत प्रेम का प्रेम के द्वारा ही आस्वादन कर रहा है, कृष्ण आस्वाद्य नहीं है, श्री कृष्ण का प्रेम आस्वादनीय है, राधिका आस्वादक नहीं है, राधिका का प्रेम आस्वादन करने वाला है। तो सब्जेक्ट भी प्रेम, ऑब्जेक्ट भी प्रेम और इंस्ट्रूमेंट भी प्रेम, कर्ता कर्म और करण तीनों वस्तुएं प्रेम होकर के ही विराजमान। श्री राधिका अपने प्रेम के माध्यम से निज प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर के प्रेम का आस्वादन कर रही है, वो है स्वसंवेद्य दशा, और वो भी प्राप्त उस दशा कहने से ही पराकाष्ठा हो गई, परंतु दशा कहने के साथ में पराकाष्ठा को भी प्राप्त माने प्राप्त करके माने स्पष्ट रूप से अनुभव करते हुए प्रकाशित है, प्रकाशित और हो रहा है, माने वो सामने भी प्रकाशित होना चाहिए। तो दुर्लभता बाहर भी स्पष्ट रूप से भी प्रकाशित होकर के विराजमान। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से परकिया का निरूपण किया, जो श्रीमद् भागवत का आधार है, और श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से परकिया गोपी प्रेम के परकिया स्वरूप को ही प्रकट करती है। नासिवन खल कृष्णा मोहितास्तस्य माया मन मानस व पार्श्वस्थान स्वान स्वान दारण भुजों के साथ स्पष्ट रूप से पर किया है। ताबारे माना पति भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी श्रीमद् भागवत के स्पष्ट रूप से परकिया का निरूपण करती है। गोस्वामी जी ने उसी परकिया का स्थापन किया और श्री जीव गोस्वामी जी का स्वमत परकिया ही है, परंतु उन्होंने उस समय के जो अपना कुछ रसिक जनों का जो परिवेश था वो परिवेश स्वकीयवादी था, उस परिच्छया उनको भी आनंदित करने के लिए उन्होंने
स्वकीय भाव का स्थापन किया और गोपाल चंद्र में भी उसको स्थापित किया स्वकीय भाव। श्री कृष्ण जिस समय आप लौट करके आए दंत वक्र का वध करके पुनर्ब्रज में आगमन हुआ, श्री कृष्ण मंद विचार कर रहे हैं कि शुभदेव जी ने यद्यपि अंतर्यामी रूप में गोपियों के परकीय भाव का निषेध किया है, परंतु जब तक लौकिक प्रकार से परकीय भाव का निषेध नहीं होगा तब तक इनके विरह की शांति नहीं होगी, अतः मैं विवाह के द्वारा इन गोपियों के परकीय भाव दुख को दूर करूंगा। ये कृष्ण का अपना विचार, कृष्ण के इस विचार को मधुमंगल ने कहीं पौर्णमासी जी के द्वारा नंद बाबा के पास में भिजवा दिया। अब नंद बाबा कह रहे हैं बोले ठीक है कृष्ण चाह रहे हैं, पर गोपियों का तो ब्याह हो गया, राधिका का तो ब्याह हो गया, अभिमन्यु इत्यादि गोपों के साथ में ये कैसे होगा। पौर्णमासी जी कह रही है नहीं नहीं ये विवाह मैंने प्रत्यायित किया और इसमें विश्वास नहीं हो तो मैं अभी तुम्हारे सामने योग माया को बुलाती हूं। और ऐसा कहकर के आकाश में योग माया को स्थापित किया और योग माया जी स्पष्ट रूप से कह रही है कि ये गोपियों का जो अन्य अन्य गोपों के साथ में विवाह कराया गया ये मेरे द्वारा छल पूर्वक कराया गया, छाया गोपियों की मैंने रचना की और उनके द्वारा विवाह कराया गया, तुमको विश्वास नहीं हो तो छाया गोपी और मूल गोपी कभी मिलती नहीं है, परंतु आज मैं इन छाया गोपियों दो मूल गोपियों को एक स्टेज के ऊपर खड़ा कर देती हूँ और देख लो कौन सी छाया पहचानने में आ जाएगी। दूर से तो दोनों गोपी एक सी लगती हैं, जब आमने सामने आएंगे तो पहचानने में आ जाएंगे, और जैसे ही छाया गोपी और मूल गोपी दोनों एक साथ श्री योग माया जी ने कात्यायनी देवी ने आकाश में प्रकट होकर के साक्षात प्रकट के सारी गोपी देख रही हैं, सारे नंद बाबा यशोदा जी रोहिणी जी सब देख रहे हैं। उस समय श्री बलदाऊ जी और रोहिणी जी को भी बुला लिया गया, दारों को भेज करके गोपाल चतुर्थ में वर्णन किया उनको भी बुला लिया और उनको बुला करके श्री रोहिणी जी यशोदा जी सब देख रही हैं कि अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है कि एक इमिटेशन है और एक असली है, एक नकली है और एक असली है, तो छाया गोपी अलग दिख रही है और मूल गोपी अलग चमकती हुई दिख रही है। सब नंद बाबा तैयार हो गए, नहीं 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 ठीक है हमारी हम कृष्ण का जिन राधिका से विवाह करना चाहते हैं, राधिका जिस श्री कृष्ण जिन राधिका के साथ में विवाह करना चाहते हैं वो राधिका उनका विवाह हुआ ही नहीं था, वो तो छाया गोपी का किसी का विवाह हुआ, हम तैयार हैं। और ऐसा कहकर के श्री ब्रजवान आदि गोपी वहां पर विराजमान थे, वे अपनी अपनी गोपियों को पुत्रियों को पतिमंद गोपों के घर से जावट आदि से वापस बुलाने के लिए तैयार हुए। ये गोपाल जब उनकी लीला का वर्णन कर रहे थे तो उनको बुलाने के लिए जैसे तैयार हुए श्री राधिका आदि गोपियां जम करके बैठ गई, बोलना हम नहीं जाएंगे, भले हम जानती हैं हमने कभी कृष्ण के अलावा किसी अन्य पुरुष को देखा ही नहीं, अन्य पुरुष का संपर्क तो कभी है ही नहीं हम लोग, फिर भी हमारे ऊपर तो कलंक तो लगी गया कि तुम दूसरों के घर में रही। जब एक धोबी के कहने से जानकी जी ने उस कलंक को स्वीकार किया कि दूसरे के घर में रह गई तो हम भी तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पतिमंद गोपों के घर में रही हैं, इसलिए हमको कलंक तो लगी क्या, जब तक हमारे इस कलंक की निवृत्ति नहीं होती है तब तक हम कृष्ण से कैसे विवाह करेंगे, हम अग्नि में कूद करके अपने प्राण दे देंगे परंतु कलंक नहीं बन करके हम कृष्ण के साथ में नहीं रहेंगे, नहीं तो कोई उंगली को उठा देगा कि ये गोपी किसी दूसरे के घर में रही है, रही तो है, छाया गोपी घर में रहती मूल गोपी रास्ते में चली जाती, गोपी जैसे ही आई छाया गोपी गायब हो गई, मूल गोपी घर में रह रही है, तो कहीं
घर में रहना तो हुआ ही, तो ये कलंक तो उनके साथ में है ही है, तो हम इस कलंक को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब मूल गोपियों ने श्री कृष्ण से विवाह करना निषेध कर दिया कि नहीं संभव ही नहीं है, हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है, उसी समय कहीं से दुर्वासा ऋषि चल गए। और दुर्वासा ऋषि बोले कि अरे इन गोपियों का तेज तो इतना तेज है, इतना भारी है कि प्राकृत अग्नि तो क्या साक्षात सूर्य भी आ जाए, वो सूर्य भी इनको इनके पातक वृत्ति के तेज के आगे फीके पड़ जाएंगे, इसलिए प्राकृत अग्नि में इनकी अग्नि परीक्षा की जाए, ये तो बड़ी मामूली बात होगी, इतने में भी कोई उंगली उठा सकेगा इनके ऊपर, परंतु मैं स्वयं तेज रूप हूं, तप रूप हूं, मैं तप अग्नि को प्रकट करता हूं। और दुर्वासा ऋषि स्वयं तप अग्नि होकर के, तपो अग्नि होकर के वहां पर विराजमान हो गए और कह रहे हैं कि मेरे तेज, मेरी जो हीट है, मेरा जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा के आगे प्राकृत अग्नि क्या करेगी, ये अग्नि और सूर्य इनकी जो ऊष्मा है वो तो कहीं टिकेगी नहीं, मेरा जो जैसा तेज विराजमान है इन गोपियों की अपरीक्षा की जाए कि ये पराए घर में रह करके भी परम पवित्र है या नहीं, इनकी अभी परीक्षा की जाए। और उस समय जितने भी गोपिकागण हैं श्री राधिका प्रभृति, वे उस तेज रूप दुर्वासा में प्रवेश कर रही हैं और निकलती चली जा रही हैं, धड़धड़ाती हुई होली चल रही है और यहां से घुस रही हैं और बाहर निकल रही हैं, सब देख करके आश्चर्यचकित, बोले ओहो अद्भुत अद्भुत, ये इन गोपियों का तो पल्लू का एक छोर भी जरा सा मुरझाया भी नहीं है, जलना तो बड़ी दूर की बात है, इनके कपड़े का एक अंश भी, पल्लू का एक छोर भी इतने तेज अग्नि में नहीं जला, सब कह रहे हैं आ गोपकारण निर्दोष है, इनका पातिवृत्य परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान, ये निर्दोष होकर के विराजमान और अन्य पुरुष का इनको कभी भी संपर्क प्राप्त नहीं है। इस प्रकार तीनों पक्ष राजी हो गए, मूल पक्ष था कृष्ण, कृष्ण गोपकारणों से विवाह करना चाहते हैं, गोपी विवाह करने नहीं चाहती है, दूसरा पक्ष है गोपी, तीसरा पक्ष है समाज, समाज भी कहीं संदेह कर रहा था, परंतु ब्रज समाज कृष्ण वर पक्ष, कन्या पक्ष और मातृ पिता पक्ष, ये सब जब विवाह के लिए तैयार हो गए और सबके सामने जब निर्दोषता प्रकट हुई तब